इस टाइम पे आप बुक पढ़ सकते हो, आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो, आप जस्ट थैंकफुल हो सकते हो, आप घर समेट सकते हो, वो सब कर सकते हो आप, बट स्क्रीन नहीं करनी। एंड थर्ड, अगर तो आप रात को एक ना एप्सम सॉल्ट आता है, ठीक है, एप्सम सॉल्ट, अगर आप वो एक मुट्ठी भर के गर्म पानी में डाल के अपने पैर और हाथ सोक कर पाओ, तो उसके बाद नींद बहुत अच्छी आती है। इट इज वेरी वेरी गुड रिलैक्सिंग सॉल्ट, EPSOM, ठीक है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि सोने से पहले 3 डीप ब्रेथ्स 3 मिनट में पूरे करने हैं, ठीक है। सो वी विल प्रैक्टिस दैट वंस टुगेदर। एंड सोने से पहले की जो ब्रीदिंग है आप लेट के भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपने हाथ जो है आप ऐसे करके रखोगे, फेसिंग अपवर्ड्स, बिल्कुल साथ में अपने हिप्स के साथ, और अगर आप लेटे हुए हो या बैठे हो, तो बैठे हो तो थाइस पे रख दोगे, लेटे हुए हो तो आपके उसके साथ में रहेगा। आप डीप ब्रेथ इनहेल करोगे, जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप देखोगे आपका सांस नोज से हेड तक, हेड से पूरा पीछे, हेड से लेके नेक में, इसोफेगस में, स्टमक में जाएगा, एंड स्टमक पूरा गुब्बारे की तरह बाहर फुलाओगे आप पूरा, और थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और। एंड यहां पर आप अपना ब्रेथ होल्ड करोगे, एंड जब आप यहां पे अपना ब्रेथ होल्ड करोगे तो यू विल इमेजिन एंड से टू योर सेल्फ दैट माई बॉडी इज गेटिंग ऑक्सीजनेटेड। एक एक सेल जो मेरी बॉडी का है वो ऑक्सीजन से भर रहा है, उसमें लाइफ आ रही है, इट्स ब्रीदिंग, एंड यू विल फील कि हर जगह ना एयर की वाइब्रेशन हो रही है। एंड उसके बाद धीरे धीरे अपना पेट आपका अंदर जाता जाएगा, एंड सांस आपकी दोबारा वैसे ही आप फील करोगे कि ऊपर आ रही है, बाहर आ रही है, एंड सारे के सारे टॉक्सिन्स पूरे दिन में जितना भी बॉडी ने काम किया है, जितने भी टॉक्सिन्स बनाए हैं, वो सारे के सारे बाहर विद माई ब्रेथ इट्स कम आउट। एंड नाउ यू विल अपने हाथों से अपने पेट को थोड़ा और स्क्वीज करोगे, और अगर थोड़ी भी और अंदर गैस रह गई है, एयर रह गई है, पेट बाहर निकला हुआ है, वो सब करके आप बाहर यू विल एक्सहेल। अब दिस प्रोसेस ऑफ वन ब्रेथ शुड टेक बाय वॉच 1 मिनट। तो आपका टारगेट क्या है, 30 सेकेंड्स में एक ब्रेथ लोगे शुरू में और उसको 1 मिनट तक खींचोगे। और आपको कैसे पता चलेगा आप ब्रीदिंग ठीक कर रहे हो, कौन बताएगा मुझे? आपके सिर में ना थोड़ी सी सनसनाहट सी होगी, जो बी की आवाज होती है ना, वो आपके सिर में होगी। अब एक बार आप मेरे साथ सांस लो धीरे धीरे और देखो क्या सर में कुछ हुआ, ठीक है। सो कीप योर हैंड्स इन द पोस्चर जो मैंने बताए हैं, ऐसे करके अपने थाइस पर, स्पाइन बिल्कुल सीधी, पता चलना चाहिए कि आपका ऊपर से कनेक्ट है, राइट। एंड लेट के भी करोगे तो सिर के नीचे या बहुत पतला पिलो होगा या पिलो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एंड देन नाउ लेट्स डू दिस ब्रीदिंग। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल, इमेजिन एयर फुल ऑफ ऑक्सीजन फ्लोइंग थ्रू योर नॉस्ट्रिल टू योर आईज टू योर हेड टू योर बैक ऑफ योर हेड टू योर नेक थ्रू द फूड पाइप टू द स्टमक। इमेजिन अ बेलून इज बींग फिल्ड, होल योर एबडामन इज फुल ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर, फ्रेश एयर, पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुला लो और वहां पे होल्ड करो। और अब इमेजिन करो आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनके अंदर ये गैस जा रही है, एयर जा रही है, उसमें लाइफ भर रही है, सुंदर सुंदर से कलर्स दिख रहे हैं आपको अंदर, पूरी जैसे प्लांट जब ग्रीन होता है ना, वैसे एक एक सेल आपका ग्रीन हो गया है,
इट्स लाइक फुल ऑफ लाइफ, एक स्माइल सी है हर सेल के चेहरे पर. होल्ड योर ब्रेथ इन दिस पोजिशन. हर सेल आपकी बॉडी का, लेग्स, फीट, सब के सब यू नो फुल ऑफ ऑक्सीजन. नाउ स्लोली स्टार्ट एक्सहेलिंग. धीरे धीरे पैर के टो से जितने भी टॉक्सिन्स पूरे दिन में बॉडी ने रिलीज किए हैं, वो सब उठाती हुई ये एयर पैरों के टोस से काफ मसल्स पे, फिर थाई मसल्स, एब्डोमेन, इसोफेगस, फूड पाइप, नेक, हेड एंड नॉस्ट्रिल से वापस. अब अपने दोनों हाथ को लॉक करके अपने एब्डोमेन पे रखो और थोड़ा और स्क्वीज करो ताकि अंदर कोई टॉक्सिन्स जो रह गए हैं ना, दे आर ऑल्सो कमिंग आउट. सो इमेजिन देम कमिंग आउट. इमेजिन ऑल योर ऑर्गन्स गेटिंग डिटॉक्सिफाइड. अच्छे से दबा दो, स्पाइन सीधा बिल्कुल. ब्यूटिफुल. नाउ टेक द नेक्स्ट ब्रेथ. इनहेल. Imagine the flow of air going inside your body. बैलून की तरह बिल्कुल अपना पेट फुला दो. पूरी ऑक्सीजन से एक एक सेल खुश हो रहा है. Getting fresh air, getting oxygen. सारे ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो मरकर यू नो बॉडी रिवाइव कर रही है. होल्ड इट हियर. जस्ट विजुअलाइज दिस. स्लोली इमेजिन ब्रेथ इज कमिंग आउट. ऑल द डर्ट, द टॉक्सिन्स इनसाइड योर बॉडी आर कमिंग आउट स्लोली फ्रॉम द टो टू द काफ मसल्स, टू योर थाई मसल्स, टू योर स्टमक, your chest, heart, lungs, food pipe, neck, head, eyes, and it's coming out of the nose. Slowly lock your fingers like this, put them on your abdomen and see even if anything is left inside, take it out. Push your abdomen with your hands and take that out. And slowly exhale and now open your eyes. सिर पे जोर पड़ा थोड़ा, है ना? चित्रा, did you feel something? This is the way we should breathe. और रात को सोने से पहले जब हम ये ब्रीदिंग करते हैं क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम क्या होता है? 3 मिनट कोई ज्यादा तो नहीं है दिन की सारी टेंशन को फेंकने के लिए और चैन की नींद सोने के लिए. पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम होता है जब वो सिस्टम होता है जो तब एक्टिव होता है जो हमें खाना डाइजेस्ट करने में, सांस लेने में हेल्प करता है. सिंपेथेटिक होता है जो हम दिन भर जिसमें रहते हैं, पैरासिम्पेथेटिक में शिफ्ट नहीं करेंगे तो नींद नहीं आएगी. मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, मैंने बहुत लोगों को ज्ञान बांटा, मैंने बहुत कोचिंग की, सब कुछ मैंने कर लिया, बट मैंने देखा है कि ये जो ब्रीदिंग का तरीका है 3 मिनट्स, पहले तो दिस रूल ऑफ थ्री कि आप 1 घंटा पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं लोगे, ठीक है ना? आप 3 बार ये ब्रेथ लोगे, ठीक है, और 3 घंटे पहले तक खाना नहीं खाओगे कुछ भी. सो दिस सिंपल रूल ऑफ थ्री आई हैव सीन वर्क्स वंडर्स. और अभी तक जो है ना मेरा सिर थोड़ा भारी सा है, बट मुझे ये पता है मैं जो भी पहले सोच रही थी अब वो नहीं सोच रही हूं. इनफैक्ट अब मुझे क्लास लेने में भी लग रहा है कि यार मैं क्या थोड़ी और पीसफुल होके ले सकती हूँ, है ना? मतलब सडनली माय एनर्जीज हैव मेलोड डाउन एंड इफ आई लाई डाउन
राइट नाउ आई नो आई विल स्लीप. सो दिस इज वन. तो स्लीप के लिए आप लोगों को लगता है कि इसकी आप हैबिट बना पाओगे? हैबिट तो बना सकते हैं, बट आई स्ट्रगल विद होल्डिंग द ब्रेथ. आई थिंक विद प्रैक्टिस वो पड़ेगा. एग्जैक्टली. आपने भेजा, आई जैसे आप बोलते हो उसमें 1/3 ऑफ द टाइम इज व्हाट आई कैन होल्ड एज ऑफ नाउ. तो हाँ, बट वही आप पढ़ाओगे, बट जैसे जैसे आप अंदर चित्र विजुअलाइज करोगे, जैसे आज जब मैंने कराया तो आई एम श्योर आपका होल्डिंग टाइम थोड़ा और बढ़ गया होगा. और मैं हर सेल को ढूंढने निकल पड़ती हूँ और मैं देखती हूँ उसमें ऑक्सीजन जा रही है, वो सेल पूरा जैसे पौधे सुबह जब पानी दो नहीं तुम्हारी तरफ खुल के खुलते हैं, वैसे करके जब मैं इमेजिन करने लगती हूँ ना तो मेरा होल्डिंग अपने आप बढ़ जाता है. सो वो कहते हैं ना, यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंड. गॉट इट. है ना. तो आज ना माय डैड वाज टेलिंग समथिंग टू माय सन एंड माय डैड सेड, तूने वो कोटेशन सुनी हुई है? तो माय सन सेड, नहीं पापा. नाना कौन सी? पापा कहते हैं, इफ यू कैन डाइवर्ट योर माइंड फॉर 20 seconds यू कैन स्टॉप अ सुसाइड. है ना. एंड इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. ठीक है. हम सबको पता है बात, पर हम भूल जाते. अगर अब रात को आपने 3 मिनट या 1.5 मिनट अपने आप को डाइवर्ट कर लिया ना बस अपने दिन की चर्या से, दिन में जो भी हुआ होगा आपको नींद आ जाएगी. ठीक है. सेकेंड, ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ स्टडीज जो ये दिखाती हैं कि जब हम ऐसे ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे शुगर लेवल्स कम होते हैं. ठीक है. तो यू हैव मैनी रीजन्स टू गेट दिस इन टू योर हैबिट.